Hello students, आज हमारा टॉपिक है गवर्नर्स. ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गवर्नर, बट्स टेक ए ब्रीफ रिविजन ऑफ दैट. गवर्नर्स आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल मीन स्पीड ऑफ एन इंजन वाइल वेरिएशन ऑफ लोड बाई मैनुपुलेटिंग फ्यूल सप्लाई. जब भी इंजन एक स्पीड से रोटेट करे और लोड के बदलने से मीन स्पीड चेंज होती है, तो गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को मैनुपुलेट करके वापस से मीन स्पीड वही रखता है. यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से गवर्नर इज बेसिकली यूज टू कंट्रोल द मीन स्पीड, नॉट मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड ऑफ एन इंजन. It basically used to control mean speed of an engine. As we know, speed is very continuously. So maximum or minimum speed ka fluctuation control hota hai flywheel se, jabki mean speed control hoti hai governor se. Governor ki broad category dekh sakte hain. कि दो टाइप से होती है, गवर्नर है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर. सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में कंट्रोलिंग फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट से रिलेटेड होता है, जबकि इनर्शिया गवर्नर में इनर्शिया यानी वेट से रिलेटेड होता है. बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स में एक ब्रॉड डेवलपमेंट हुआ और वही यूज होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर एक स्पिंडल से दो अटैचमेंट के थ्रू फ्लाईवॉल्स अटैच होती हैं. अपर एंड्स को आर्म्स और लोअर एंड्स को लिंक्स कहते हैं. इनके नीचे स्लीव लगी होती है और फर्दर गवर्नर का स्पिंडल बेवल ग्रुप गियर के थ्रू इंजन शाफ्ट से जुड़ा होता है और स्लीव कनेक्ट होती है बेल क्रैंक लीवर के थ्रू थ्रोटल वाल्व से, जिसका मोशन कंट्रोल करता है वर्किंग फ्लूड की सप्लाई को. एज द लोड वेरी देन the speed will reduce and balls move inward to the spindle and then bell crank lever rotate throttle valve in such a way so that the fuel supply could be increased, then the mean speed remain as previous. स्लीव के मोशन को कंट्रोल करने के लिए दो स्टॉपर्स लगे होते हैं, जो यहाँ कैपिटल एस से दिखाए जा रहे हैं. ये डिसाइड करते हैं कि स्लीव का मूवमेंट कितना होना है. सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप गवर्नर्स होते हैं. इनके डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग ये चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं पेंडुलम टाइप गवर्नर, वाट गवर्नर ये सबसे पहला गवर्नर है, और उसके बाद पोर्टर, प्रोल, हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल और पिकरिंग गवर्नर आए. इनमें इन कुछ ना कुछ अटैचमेंट और सब मॉडिफिकेशंस थे जो इनके यूज और इनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. इनके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए टू गो फर्दर इन गवर्नर. मोस्टली आप सुनेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ गवर्नर. जो भी गवर्नर की स्पीड होगी एक स्टेबल पोजीशन पर, वो स्पीड कहलाएगी इक्विलिब्रियम स्पीड. अगर
उस सिचुएशन में स्लेव मीन पोजीशन पर है तो स्पीड मीन इक्विलिब्रियम स्पीड होगी, अगर स्लेव टॉप मोस्ट पोजीशन पर है तो वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, और अगर स्लेव नीचे है तो वही स्पीड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होगी। सेकंड टर्म हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर इज बेसिकली अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल टू द पॉइंट वेयर एक्सिस ऑफ आर्म्स आर पाइवोटेड, यानी जो आर्म्स स्पिंडल एक्सिस से जहां पाइवोट होंगे वहां से बॉल के सेंटर तक का वर्टिकल डिस्टेंस हाइट ऑफ गवर्नर कहलाता है। इट मे बी पॉसिबल आर्म्स स्पिंडल एक्सिस पर पाइवोट हो, मे बी पॉसिबल एक्सिस से ऑफसेट हो, मे बी पॉसिबल एक्सिस से क्रॉस्ड हो। उन सिचुएशंस में भी आपको यही नोटिस करना है कि आर्म्स स्पिंडल एक्सिस को कहां कट करते हैं, उस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ बॉल तक का वर्टिकल डिस्टेंस ही हाइट ऑफ गवर्नर होगा। अनदर टर्म इज आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज स्लीव लिफ्ट। मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड से मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड तक स्लीव जो ट्रेवल करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट लेगा, दैट इज कॉल्ड स्लीव।